हो शिट, अब आ रही है, देखो आ रही है, अब आ रही होगी, देखो ठीक है, सॉरी यार। ओके, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, देखिए भाई, आज बेसिकली एक छोटा सा पार्ट है प्रॉफिट एंड लॉस का, जैसे हम बोलते हैं डिस्काउंट मतलब बट्टा मतलब छूट। आज मैं उस पूरे टॉपिक को आज के आज ही कवर अप कर दूंगा और आज के आज ही आपका डिस्काउंट खत्म भी हो जाएगा। क्लियर है बेटा? और ध्यान रखना, ये पूरा डिस्काउंट मैं दो ही कॉन्सेप्ट से खत्म कर दूंगा। आप ये सिर्फ दो कॉन्सेप्ट याद रखें, आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। क्लियर है या नहीं है? यानी दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट को आपको मैं सीक्वेंस के साथ आपके दिमाग में सेट कर दूंगा। आप प्लीज उन दो कॉन्सेप्ट को याद रखना, बस सारे क्वेश्चंस आपके खत्म हो जाएंगे। इज इट क्लियर बेटा? सबके सब लाइव आ चुके हैं। प्लीज, मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ डिस्काउंट का। तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका डिस्काउंट। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ डिस्काउंट, गौर से समझना बेटा। हेलो, तो अब मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ डिस्काउंट के बारे में, दैट इज छूट। बोलो क्लियर है? तो प्लीज सबके सब है ना, पहले पहले आप मुझे 5 मिनट ढंग से सुन लीजिए। मैं आपको 5 मिनट में इसके दो बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। गौर से सुनना पहले अच्छे से। क्लियर है बेटा? देखिए, यहाँ पर देखिए, डिस्काउंट की जो बात की जाती है वो किसके लिए की जाती है? तो डिस्काउंट देता कौन है बेटा? तो डिस्काउंट देता है दुकानदार। कौन देता है बेटा? दुकानदार देता है। किसे देता है बेटा? ये ग्राहक को देता है। तो सारा खेल हमें किसका समझना है बेटा? दुकानदार का। तो अगर आप दुकानदार पे फोकस रखेंगे ना, तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो दुकानदार को समझिए, दुकानदार की बात समझाता हूँ। दुकानदार का बात पोल पट्टी खोलता हूँ मैं आज। तो दुकानदार की बात समझिए, दुकानदार क्या करता है कि भाई वो दुकान खोलेगा। अब दुकान खोलेगा तो दुकान में सामान रखेगा, लेकिन वो सामान कब रख पाएगा दुकान में? जब वो पहले मार्केट से खरीदेगा। तो यानी कि सबसे पहला जो स्टेप होता है दुकानदार के लिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है खरीदने का। तो दुकानदार जो होता है वो वस्तुओं को खरीदने जाता है। अब खरीदने के कारण जो वो पैसा खर्च करता है, वो भी उसका एक मूल्य बन जाता है, जैसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, दैट इज सीपी। तो सबसे पहला स्टेप जो आएगा ना, वो क्रय मूल्य का आएगा। बोलो क्लियर है या नहीं है? अब क्या है कि दुकानदार जो है बेटा, ये सीक्वेंस समझ लेना। अगर ये सीक्वेंस समझ गए ना, क्वेश्चन बड़े प्यार से खत्म करूंगा मैं। यहां देख लो गौर से। तो सबसे पहले देखिए, दुकानदार वस्तु को खरीदने जाएगा, खरीद के ले आया, जो पैसा उसने खर्च किया वो बन गया उसका क्रय मूल्य। अब क्या हुआ दूसरा स्टेप? अब क्या हुआ, जब खरीदने के बाद में वो अब क्या करेगा? तो दूसरा स्टेप करता है कि दुकानदार दुकान वस्तु में ला के रखता है, वस्तु को दुकान में ला के रखता है, और रखने के बाद में आराम से रात में बैठ के सुकून के साथ उनके मूल्य मिटा के उनके मूल्य बढ़ाकर अंकित कर देता है। क्यों? क्योंकि कलयुगी दुनिया में उसे पता है कि जो ग्राहक उसके पास आएगा वो पक्का कुछ ना कुछ उसका दाम कम करवाएगा, और अगर दाम कम किया तो गारंटेड उसे लॉस हो जाएगा। अरे क्लियर है या नहीं है? दूसरी बात, उसे कुछ प्रॉफिट भी कमाना है, तो इसका दूसरा कारण ये भी है, तो इसलिए उसे गारंटेड मूल्य को बढ़ाना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है वस्तु को खरीद के लाने का, खरीदने के तुरंत बाद वो उसको मूल्य को बढ़ाता है। तो मूल्य को बढ़ा के क्या करता है कि वो जो भी मूल्य होगा ना, उसे पहले बढ़िया तरह मिटाएगा, और मिटा के अपने दिल का जो मूल्य है ना, उस पर ठप्पा लगा देगा, मतलब अंकित कर देगा। बोलो क्लियर हुआ? तो दूसरा स्टेप होता है मूल्य को अंकित करना। क्या करना बेटा? अंकित करना। किसके ऊपर? वस्तु के ऊपर। कैसे अंकित करना? बढ़ाकर अंकित करना। तो यहाँ पे मूल्य को बढ़ाया जा रहा है, प्लस। क्लियर है? और इस अंकित करने से जो मूल्य बनता है उसे बोलते हैं आपका अंकित मूल्य। कौन सा मूल्य बेटा? अंकित मूल्य। समझ गए आप? मतलब इसे इंग्लिश में बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। कौन सा प्राइस बेटा? मार्क्ड प्राइस। अब क्या हुआ कि भाई साहब देखो, काम क्या करता है, वस्तु थी मान लो 200 रुपए की, वस्तु थी कितने की? 200 रुपए की। अब भाई साहब दुकानदार उस वस्तु का मूल्य बढ़ा के सीधा सेट मारेगा 600 रुपए। देखो ये होता है हिसाब किताब दुकानदारों का, 600 रुपए मूल्य बढ़ा के रख दिया। अब जैसे ही भाई साहब तुम पहुंचोगे, जो तुम देख रहे हो ना, तुम सबके सब दुकान में पहुंचोगे, जब दुकान में पहुंचोगे तो तुम्हें वस्तु मिलेगी वो 600 रुपए पे। अब क्या करोगे तुम? कहोगे यार 600 की वस्तु मैं तो खरीद ही नहीं पाऊंगा। तो दुकानदार कहेगा टेंशन ना लो भाई साहब, पहले आप खरीद तो लो, लास्ट में डिस्काउंट कर देंगे हम, मूल्य घटा देंगे। तो जो ये अंकित मूल्य है इस पर देगा वो आपको लालच, और जो ये लालच है इसी को कहा जाता है डिस्काउंट। समझ गए तुम? मूल्य को थोड़ा घटाया जाएगा।
अब कौन से मूल्य को घटाया जा रहा है, अंकित मूल्य को। अब अंकित मूल्य को थोड़ा सा वो घटा देगा, तुम कहोगे यार बहुत अच्छा दुकानदार है, मूल्य कम कर दिया। मूल्य कम करके तुरंत क्या होगा, वो तुम्हें वस्तु दे देगा कि ले जा, तू लुट गया बेटा तू जा। तो अब क्या हुआ कि जो मूल्य में आपने उसे खरीद लिया वो आपके लिए तो क्रय मूल्य है ग्राहक के लिए, लेकिन वो दुकानदार का हो गया विक्रय मूल्य। तो हमें तो दुकानदार को देखना है ना, तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट कम करके, पैसे को कम करके वो फाइनली बेच दे रहा है। तो तीसरा स्टेप होता है वस्तु को बेचने का। अब बेचने से जो मूल्य बनता है उसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। कौन सा मूल्य बेटा, विक्रय मूल्य, एंड दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस, मतलब दैट इज एसपी। अब पता क्या किया, 200 में खरीद के लाया, घर पे आके मूल्य 600 का कर दिया, और भाई साहब 100 रुपए कम करके 500 की बेच दी। और तुम कह रहे हो भाई साहब पता है 600 की वस्तु 500 में ले आया, देख लो मेरे से बड़ा कोई है, पर लुट के आया। देख यहाँ पर वस्तु वास्तव में 200 की थी। अब यहाँ देखो तो बेटा डिस्काउंट कहाँ दिया जा रहा है, तो गौर से सुनना। अब क्या हुआ, अब दुकानदार पता क्या कर रहा है, अब दुकानदार क्या कर रहा है वो गौर से सुनना। दुकानदार क्या कर रहा है गौर से सुनना, दुकानदार 200 की वस्तु लेके आया, 600 रुपए अंकित कर दिया, और 100 रुपए का कम करके 500 में बेच दी। ये 600 से 500 के बीच में जो भी प्रोसेस हो रही है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्काउंट। क्या कहा जाता है, डिस्काउंट, मतलब पैसे को कम करना। तो डिस्काउंट जो बात करता है ना, वो रिलेशन बताता है इन दोनों के बीच में, किस किस के बीच में बेटा, दैट इज मार्क्ड प्राइस, अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच में। अरे क्लियर है, तो आप बताइए कितने रुपए अंकित मूल्य था, 600, कितने की पड़ी 500, तो कितना मूल्य कम हुआ, 100 रुपए, और 100 कितने पे कम हुआ बेटा, 600। तो हमेशा ध्यान रखना आपको कुछ नहीं करना, जो ये 100 रुपए कम करनी है वो 600 पे कम करनी है। तो परसेंटेज बता दो, तो 100 का डिस्काउंट 600 पर और गुणा 100 करेंगे तो ये रेशियो आ गया 1/6, तो 1/6 की परसेंटेज बताओ 16 सही, 2/3%। और आजकल की दुनिया में तुम देख लेना जितने दुकानदार हो ना, वो मोस्टली हाईएस्ट 10% का तो डिस्काउंट देते हैं, तुम ज़्यादा पीछे पड़ जाओ 15% कह देंगे, लो मैंने तो 1% मैंने और दे दिया तुम्हें, अब खुश है ना तुम। देखो यहाँ पर तो 600 की वस्तु 500 में बेच दी, मतलब 100 रुपये कम कर दिए, 100 रुपये कम होंगे किस पर, मार्क्ड प्राइस पर। तो ध्यान रखना डिस्काउंट को हमेशा किस पर डिफाइंड किया जाता है, मार्क्ड प्राइस या सेलिंग प्राइस, तो आप कहेंगे मार्क्ड प्राइस पर। सर क्लियर हुआ यहाँ तक? और अब देखो दुकानदार करेगा क्या, अब दुकानदार क्या करेगा, 200 की वस्तु लेके आई, 600 में अंकित किया, 500 में बेच दिया। अब दुकानदार घर पे गया, अपनी वाइफ को बता रहा है कि देख 200 की चीज थी 500 में बेची आया, तो कितने का लाभ कमा गया, 300। ये लाभ, तो ध्यान रखना इनके बीच में, बेचने और खरीदने के बीच में जो प्रोसेस होती है इसे बोलते हैं बेटा लाभ और हानि, लाभ और हानि। तो बताओ दुकानदारों क्या हुआ, 200 की वस्तु अगर 500 में बेची है तो बेटे 300 का लाभ हुआ है, और लाभ किस पे निकाला जाएगा, क्रय मूल्य पर। तो 300 का लाभ कितने पर निकालेंगे बेटा, 200 पर। तो बेटा आप बताओ 2 0 2 0 कटा, तो 2/3 × 100 करोगे तो कितने परसेंट हो गया, 150%। अरे क्लियर है? तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, पहला कॉन्सेप्ट खत्म। तो आप बताइए सबके सब सीक्वेंस बताइए, सबसे पहले कौन सा मूल्य आएगा, सीपी। अब ध्यान रखना इस चैप्टर में तीन ही मूल्य हैं, कौन कौन से तीन मूल्य हैं, सीपी, एमपी और एसपी, बस इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, बात खत्म। अगर ये सीक्वेंस पता है ना तो क्वेश्चन बड़े प्यार से खत्म होंगे। तो गौर से सुन लेना, सीक्वेंस के लिए ही मैंने इतनी बातें बोली हैं। एक बार आप सीक्वेंस बताइए, सबसे पहले क्या करेगा, खरीदेगा, खरीदने के बाद क्या करेगा, मूल्य बढ़ाकर अंकित करेगा, अंकित करा के क्या करेगा, मूल्य कम करके मतलब डिस्काउंट करके बेच देगा। तो सबसे पहला कौन सा मूल्य आएगा, सीपी, पहला मूल्य कौन आएगा, सीपी, खरीदना। दूसरा मूल्य कौन सा आएगा, एमपी, मतलब अंकित करना, और अंकित को कम करके फाइनली वो क्या करेगा, बेचेगा, मतलब फाइनल मूल्य क्या आएगा, एसपी। बस ये सीक्वेंस याद रखना, चैप्टर के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, देखो लाइट गई, आत्मा फिर आ गई, रुको भैया रुको, स्क्रीन ब्लैंक हो गई होगी, आत्मा आ गई इस रूम में, हेलो अबे इसे ठीक करो भैया, गई, नो सिग्नल आ रहे हैं भैया, ये आत्मा जाए, आत्मा नहीं जा रही, वो क्या आ जाएगी। अरे ओ भाई साहब क्लास चल रही है, निकल जाओ ना, अबे तुम करो ना ऐसे, सही क्यों मजे ले रहे हो यार,
अबे कोई बैठ गई है, उसे पता भी लग गई, मैंने बोल दिया आत्माएं ये ठीक नहीं होगी। क्या बढ़िया पढ़ा रहा था यार। बेटा आत्मा आज नहीं निकलेगी, मैं पहले बोल दे रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुको यार, ये एक मिनट रुकना, मैं समझाऊंगा सारी चीज, करवा रहा हूँ, ठीक करवा रहा हूँ। चलो वे वैसी बात कर लें। अरे ये आत्मा तो मुझे भी नहीं पता ये किसकी है भाई, मेरी क्लास में आती है ये मेरी क्लास में आ गई फिर आत्मा, बताओ क्या कर। बेटा एक मिनट रुकना, अभी है ना टेक्निकल टीम आई है, वो अभी लग रही है पूरी तरह से शिद्दत के साथ लग रही है, ये टेक्निकल टीम ही करेगी इसे सही, पता नहीं कौन सी आत्मा आई है यार। कोई ये बताओ मेरे को, गालियां कौन कौन देता है बे, ये मेरी क्लास में क्यों होता है? बेचारे बच्चे भी बेचारे इतने सीरियसली पढ़ रहे थे बेचारे, ये कह रहे थे आज डिस्काउंट को पूरा ही करके मानेंगे, देख रहे हो बच्चे भी पूरी शिद्दत से मैसेज में लगे हुए हैं। जय बजरंग बली। बेटा मैं भी बस, अरे एक काम करा करो, कल से है ना मेरी क्लास में है ना वैसे हनुमान चालीसा का पाठ चलवा दो, क्योंकि ये उल्टी सीधी आत्माएं है ना तभी ठीक होंगी। मुझे पता था ना तुम्हारे समय पे नहीं मेरे समय पे दिक्कत होनी थी ये। आ गया बेटा, मैं आ गया, कैसे लग रहा हूँ? बहुत अच्छा ना, देखो ऐसे मौज लेते हैं, जिसका दिन ही खराब हो ना कुछ कह नहीं सकते ना। क्या क्या कमेंट कर रहे हैं ये सही है भाई साहब, मेरी मेरी गर्लफ्रेंड की आत्मा, तुम बेटा आज पूरी मौज लो, तुम शिद्दत के साथ आ गया, मैं देखो अब वो सारी आत्मा भगाऊंगा मैं हनुमान चालीसा लेके बगल में बैठा करूंगा भाई साहब कल से, पता नहीं क्या है यार मौज वाला हिस्सा सीन है यही। चलो भाई स्टार्ट करता हूँ बेटा, यहाँ देखो गई हाँ, ये श्रद्धा की आत्मा है, आफ्ताब से बदला लेने आई है, ये कौन है बे? विष्णु।
बेटा कल देखता हूं तेरे को क्लास में। बहुत सही, आत्मा झटके दे रही है सर। बहुत सही है सर, आँख को आपसे प्यार है, आत्मा को। हाँ बच्चों से क्या कहूं, मैं मना करूं क्या करूं बेचारे, ये मेरी आज मेरा मेरा सैंडविच बनाएंगे ये, आज इन्हें खूब मौका मिल गया। बेटा तुम्हें मौका मिला है बेटा आज, तो चल रही है, चल रही है आज तो बेटा, तुम मेरा सैंडविच बना रहे हो आए, सही है बेटा, दो मेरी बढ़िया तरह। चलें स्टार्ट करें, हो जाएगी पक्का। अबे अब सारे किसान चुप हो जाओ, बस बहुत है। आइए भाई सुनना, प्लीज सुनिए बेटा, अब गौर से, आप सीरियस हो जाओ, बहुत देर मौज ले ली, वैसे ही पता नहीं मौज का टाइम कहाँ, टाइम ही खराब चल रहा है मेरा तो। ठीक है, यहाँ देखो, तो मैंने ये कहा कि दुकानदार है, देखो मेन बात फिर दुकानदार की आ गई थी, आधे लोगों की पोल पट्टी खुल रही थी यहाँ, ठीक है, तो इसलिए शायद भगवान ने भी सोचा कि ये पोल पट्टी ना खुलने दे। तो गौर से सुन लो कि जो दुकानदार होता है वो पहले क्या करने जाता है बेटा, खरीदने जाता है, खरीदने के बाद क्या करता है, मूल्य को अंकित करता है, और अंकित करने के बाद उसको बेच देता है। तो आप सीक्वेंस बताओ, सबसे पहले कौन आएगा, सीपी एमपी या एसपी? तो सबसे पहले जो आएगा भैया मेरे, सबसे पहले कौन आएगा, तो इसको बगल में पटक दो पहले। तो आप ये कहा करोगे आज के बाद कि सबसे पहले स्टेप पर रखेंगे हम सीपी को, अरे क्लियर है, और सीपी के बाद कौन आएगा हमारे अकॉर्डिंग, एमपी। पहले खरीदेगा फिर मूल्य को अंकित करेगा, और अंकित करने के बाद फाइनली बेच देगा। बोलो क्लियर हुआ? तो बस पहला आप ये ध्यान रख लीजिए, ये की पॉइंट है, बस ये की पॉइंट अगर दिमाग में घुसा लिया सीक्वेंस, तो क्वेश्चन सारे खत्म है। बोलो क्लियर हुआ सभी को? पहला सीक्वेंस क्या है, गौर से सुन लीजिए, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट, फिर सुन लीजिए, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं मैं, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट बस ये है, देख लो भाई, पहला इंपोर्टेंट पॉइंट बस ये है, देख लो, क्या सबसे पहले कौन आएगा, सीपी, सीपी के बाद कौन आएगा, एमपी, एमपी के बाद कौन आएगा, एसपी, खत्म बात। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? और आप बताइए इस केस में मैं क्या बोल रहा हूं कि सीपी को हमेशा बढ़ाया जाएगा प्लस, और एमपी पर हमेशा कम किया जाएगा, मतलब डिस्काउंट दिया जाएगा माइनस। बोलो पहला पॉइंट क्लियर हो गया या नहीं हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, यानी कि यहां पर आपको अगर कभी भी सीपी दे दिया जाए और एमपी एसपी पूछा जाए, या एसपी देके सीपी पूछा जाए, तो आप सीधा क्रमागत लगा सकते हैं। तो इस चीज को हम बोलते हैं सक्सेसिव, क्या बोलते हैं बेटा, सक्सेसिव, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रमागत। तो आपको क्रमागत माने लगातार, तो लगातार कंटिन्यूअस मूल्य कैसे बदलता है, पहले खरीद लाओ, बढ़ा दो, कम करके बेच दो, खत्म बात। बोलो पहला पॉइंट क्लियर है सबको? आप कहेंगे बिल्कुल क्लियर है। अब अगले पॉइंट पर आ जाओ गौर से, यहां पर अगला पॉइंट गौर से सुनना, दूसरा जो मैं दूसरा पॉइंट बताने वाला था खतरनाक वाला, वो और सुन लीजिए, और उसके बाद सारे क्वेश्चन करूंगा मैं, खत्म। क्लियर है? पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया, अब दूसरा पॉइंट और सुन लो। देखो एक बात, हेलो समझना भाई, यहां पे समझो, यहां पे समझो सबके सब। तो आप बताइए सबसे पहले दुकानदार क्या करेगा बेटा, खरीदेगा, खरीदने के से जो मूल्य बनेगा वो क्या कहलाएगा बेटा, सीपी, सीपी के बाद वो मूल्य को बढ़ाकर क्या करेगा बेटा, अंकित करेगा, अंकित माने मार्केट प्राइस एमपी। बोलो क्लियर हुआ? अब इस एमपी पर क्या देगा वो, डिस्काउंट, डिस्काउंट मैंने माना डी परसेंट का, और फाइनली डिस्काउंट देने से बेच देगा, तो तीसरा प्राइस बनेगा आपका एसपी। लेकिन जब वो सीपी और एसपी को करेगा कंपेयर, सीपी और एसपी को करेगा कंपेयर, तो सीपी से जब एसपी की तरफ देखेगा तो उसे पता चलेगा मुझे लाभ हुआ है या हानि हुई है, तो पी परसेंट का लाभ या हानि होगा। ये सीक्वेंस समझ आया नहीं आया? तो अब नेक्स्ट पॉइंट सुन लो, एक बेहतरीन पॉइंट निकाल रहा हूं यहां से, गौर से देख लेना, यहां पर अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां डिस्कस कर रहा हूं। आप बताइए ये एसपी पर पहुंचने के कितने रास्ते हैं? तो आप कहेंगे इस एसपी पर पहुंचने के दो रास्ते हैं, क्या, या तो खरीद के, सबसे पहला रास्ता सुनो, खरीदो,
लाभ कमाओ बेच दो, खरीदो लाभ कमाओ बेच दो। यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो एसपी होगा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो एसपी होगा इसकी वैल्यू पी परसेंट जोड़कर जो बनेगी उतना परसेंट, तो 100% अगर सीपी है तो उसमें पी परसेंट जोड़ दो कितना बन गया 100 प्लस पी परसेंट, यानी पी परसेंट बढ़ाकर जो भी परसेंटेज बनेगी उतने परसेंट डिसाइड करेगा कौन, एसपी। कौन डिसाइड करेगा, एसपी। लेकिन ये परसेंटेज किसका निकाला जाएगा, क्योंकि लाभ किस पे होता है, सीपी। तो सीपी का प्रॉफिट परसेंट बढ़ा के मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, तो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी एसपी। बोलो सबको समझ आ गई, आप कहोगे हाँ समझ आ गई, क्योंकि आत्माएं अब चली गई हैं। यहां देखो, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम बहुत स्ट्रांग है भाई साहब, उसने पूरी आत्माएं भगा दी है। यहां देखो अब, प्लीज यहां देखो अब दूसरा स्टेप। पहला स्टेप तो यहां से है कि खरीदो लाभ कमाओ बेच दो, तो पी परसेंट आप बढ़ाकर जो भी पी परसेंट बढ़ाकर जो भी बनेगी वो एसपी तो बनेगी, लेकिन वो परसेंटेज किसका निकलेगी, सीपी का। तो एसपी की वैल्यू को हम बोल सकते हैं सीपी का पी परसेंट बढ़ा के परसेंटेज का मल्टीप्लाई। अब आप बताइए दूसरा स्टेप क्या होगा, मार्केट प्राइस अंकित करो, डिस्काउंट दो और बेच दो। ये दूसरा स्टेप है, अंकित करो डिस्काउंट दो बेच दो। तो आप यही एसपी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, डी परसेंट डिस्काउंट कम करो, और कम करने के बाद उसका गुणा किस पे करना पड़ेगा बेटा, एमपी। और ये वाली वैल्यू भी तो आपकी एसपी आएगी, तो ये दोनों आपस में वैल्यू को कर दो बराबर। बोलो ये पॉइंट समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, सबके सबको ये वाला पॉइंट समझ आ रहा है क्या, आप कहेंगे बिल्कुल समझ आ रहा है। प्रॉफिट बढ़ाकर पी परसेंट बढ़ाकर उसका सीपी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एसपी आएगा, और एमपी पर डी परसेंट घटाकर जो बनेगा वो भी एसपी होगा। तो प्रॉफिट परसेंट बढ़ाकर सीपी ये वैल्यू भी एसपी है, और डी परसेंट डिस्काउंट देकर एमपी पर ये भी एसपी है। अब आप बताओ यहां से अगर मैं एक बात कंक्लूड करूं कि ये सीपी और ये एमपी का रेशियो निकालूं, तो मेरे लल्ला यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना सीपी अपॉन एमपी का रेशियो क्या होगा। तो सीपी अपॉन एमपी, एमपी को नीचे ले आओ, प्रॉफिट परसेंट नीचे जाएगा, तो यह आएगा डिस्काउंट परसेंट अपॉन प्रॉफिट परसेंट। अब ये बात ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, ध्यान रखना क्या, कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और एक वस्तु के अंकित मूल्य का अनुपात कौन डिसाइड कर देगा, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। क्या डिसाइड कर देगा, डिस्काउंट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। और इसे रेशियो को मैं यहां लिख के दिखा रहा हूं दोबारा, सीपी रेशियो एमपी। आप बताओ सीपी की वैल्यू किससे निकलेगी, डिस्काउंट से। सीपी की वैल्यू किससे निकलेगी, डिस्काउंट से, और एमपी की वैल्यू किससे निकलेगी, प्रॉफिट परसेंट से। एमपी की वैल्यू किससे निकलेगी, प्रॉफिट परसेंट से। रट्टा मार लो खतरनाक, मतलब क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। आप कहेंगे क्या उल्टा हो रहा है बताना, तो एक बात बताओ खुद, सीपी पर क्या होता है, लाभ, लेकिन सीपी की वैल्यू लाभ नहीं निकाल रहा, डिस्काउंट निकाल रहा है। एमपी पर क्या दिया जाता है, डिस्काउंट, लेकिन एमपी की वैल्यू कौन निकाल रहा है, लाभ। तो लाभ होता सीपी पर है, लेकिन लाभ वैल्यू निकाल रहा है एमपी की। डिस्काउंट दिया जाता है एमपी पर, लेकिन डिस्काउंट वैल्यू निकाल रहा है सीपी की। इसका मतलब यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, यहां देखो भाई, यहां दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाए बात, क्या कहना चाह रहा हूं देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूं प्रॉफिट डिफाइंड तो होता है सीपी पर, प्रॉफिट निकाला तो जाता है सीपी पर, लेकिन ये वैल्यू किसकी निकालता है, एमपी की। डिस्काउंट दिया किस पे जाता है, एमपी पर, लेकिन ये वैल्यू किसकी निकालेगा, सीपी की। बस ये बात ध्यान रखना, उल्टा हो रहा है, डिस्काउंट से वैल्यू जो निकलेगी, डिस्काउंट से जो वैल्यू निकलेगी वो एमपी की नहीं निकलेगी, वो सीपी की निकलेगी, और प्रॉफिट से जो वैल्यू निकलेगी वो सीपी की नहीं निकलेगी, वो एमपी की निकलेगी। जो जिस पे निकाला जाता है वो उसकी वैल्यू नहीं निकालेगा, वो दूसरे की वैल्यू निकालेगा। बस ये है सेकंड पॉइंट, चैप्टर खत्म, थ्योरी खत्म। सर समझ में आई बात, थ्योरी इज ओवर। अब मैं इस सेकंड पॉइंट को यहां लिख दे रहा हूं, गौर से सुन लेना, मैं सेकंड पॉइंट को यहां लिख रहा हूं, मैंने क्या सिखाया, मैंने ये सिखाया कि अगर कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में सीपी और एमपी की बात हो, कॉस्ट प्राइस और मार्क्ड प्राइस की बात हो, किसकी बात हो बेटा, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो, तो ध्यान रखना
क्रय मूल्य पर लाभ निकाला जाता है, लेकिन लाभ इसकी वैल्यू नहीं निकालता। लाभ किसकी वैल्यू निकालता है? सीपी की नहीं निकालेगा, लाभ निकालेगा एमपी की वैल्यू। और डिस्काउंट दिया एमपी पे जाता है, लेकिन डिस्काउंट एमपी की वैल्यू नहीं निकालेगा, वो निकालेगा सीपी की। तो डिस्काउंट से निकलेगी सीपी, प्रॉफिट से निकलेगा एमपी। बस इतना ध्यान रखना, मतलब उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है? उल्टा। सर क्लियर है? बात खत्म। बस इतनी बात रट्टा मार लो, खत्म। ये दोनों चैप्टर खत्म। सीक्वेंस बताओ एक बार, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखो ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट सुन लो और ये चैप्टर खत्म है भाई। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा का सारा पॉइंट क्लियर कर दिया। आपको अब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये दो पॉइंट सुन लो, फिर दोबारा पूछ रहा हूं और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। सारे क्वेश्चन खत्म होंगे, फिर दोबारा सुनो। सबसे पहले दुकानदार क्या करेगा? खरीदेगा। सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दुकानदार खरीदेगा तो सबसे पहले मूल्य कौन सा आएगा? सीपी। इस सीपी को वो बढ़ाएगा और अंकित करेगा तो दूसरा मूल्य आएगा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देगा मतलब मूल्य को कम करेगा, और फाइनली बेच देगा मतलब फाइनल मूल्य आएगा एसपी। इसका मतलब पहले सीपी, फिर एमपी, फिर एसपी। अगर सक्सेसिव लगातार की बात की जाए तो सीपी से एमपी आओ, एमपी से एसपी आ जाओ। क्वेश्चन खत्म। बोलो क्लियर हुआ? और अगर सीपी से डायरेक्ट एमपी की बात करनी हो, सीपी से डायरेक्ट एमपी की बात करनी हो, सीपी से डायरेक्ट एमपी की बात करनी हो, देखो ये रहा सीपी और एमपी, अगर इनकी बात करनी हो तो इन दोनों की बात ही मैंने नेक्स्ट पॉइंट में बताई है। ये रही सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो उल्टा निकाला जाता है। कैसे? प्रॉफिट होता तो सीपी पर है, लेकिन प्रॉफिट वैल्यू निकालता है एमपी की। डिस्काउंट दिया एमपी पे जाता है, लेकिन वैल्यू निकालता है सीपी की। दैट्स ओवर। बोलो क्लियर हुआ? तो जब कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपको सीपी और एमपी का कभी क्वेश्चन मिल जाए तो हमेशा बस उल्टा कर देना। क्या उल्टा कर देना? प्रॉफिट से निकाल देना एमपी, डिस्काउंट से निकाल देना सीपी। क्वेश्चन खत्म। सर समझ में आई बात? क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अगर आपको यह समझ आ गई दो पॉइंट तो स्क्रीनशॉट ले लो। और अब मैं कर रहा हूं क्लास की स्टार्टिंग, चलिए भैया अब क्लास स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। चलिए भाई पहला ही पॉइंट बताएंगे सबके सब, पहला क्वेश्चन बताएंगे ये वाला सबके सब। मेरे लल्ला आंसर बताओ जल्दी फास्ट, एक मिनट। पहले ये वाला क्वेश्चन करें क्या? इसको बाद में करते हैं। चलिए भाई चलो भाई आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर बताएंगे सभी, या फिर ये नहीं करा रहा, पहले मैं कराऊंगा ये वाला। चलो भाई ये बताओ, पहले ये वाला क्वेश्चन बताओ सभी, पहला क्वेश्चन ये वाला आंसर बताओ जल्दी फास्ट, फिर मैं कराऊंगा दूसरा क्वेश्चन धीरे धीरे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आंसर बताओ। चाय पी लो बेटा, चाय पीऊंगा, अब सीरियस हो जाओ प्लीज। अब मुझे पूरा चैप्टर समझाना है न्यूमेरिकली। मैंने दो पॉइंट बताए हैं, दो पॉइंट से चैप्टर खत्म। अब देखो यहां पर क्वेश्चन, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, गया गई 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 स्क्रीन गई गई होगी, देखो आ गया, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन सुनना भाई प्लीज, यहां पे ये कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर। बेटा पहले आप गौर से सुन लो सभी के सभी, अब चैप्टर न्यूमेरिकली सॉल्व कर रहा हूं, सीरियस हो जाओ बस, बहुत देर हो गई, मजाक मजाक एक साइड रख दो। दो पॉइंट बताए यहां पर सुन लो, दो पॉइंट से चैप्टर खत्म। सुन लो कैसे, यहां पर देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देने पर इसे 700 रुपए में बेचा गया, मतलब ये एसपी है। क्या है बेटा? एसपी। यदि उसे कोई छूट ना दी जाती, बेटा अगर आप कोई छूट नहीं दोगे इसका मतलब उसे डायरेक्टली मार्केट प्राइस पर ही तो बेचोगे। इसका मतलब कोई छूट ना देने का मतलब हुआ तो उसे लाभ कितने परसेंट का होता है? 60% का। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? चलिए भाई क्वेश्चन सुनना एक लाइन में, पहले आप सीक्वेंस बताएं। सबसे पहले कौन सा मूल्य? सीपी। सीपी के बाद कौन सा आएगा? एमपी। एमपी के बाद कौन सा आएगा? डिस्काउंट दे दिया जाएगा तो कितने क्या आएगा बेटा? एसपी।
अब क्वेश्चन देखना, एक लाइन में समझा रहा हूं, अपने सीक्वेंस से क्वेश्चन खत्म कर रहा हूं, समझना। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट दी। 12.5% कितना होता है बेटा? 1/8, यानी छूट दी 1/8 की। अरे क्लियर है? वो भी मार्क्ड प्राइस पर। छूट हमेशा किस पे दी जाती है बेटा, आप बताइए? मार्क्ड प्राइस पर। तो अंकित मूल्य पर 12.5% की क्या दी बेटा उसने? छूट। मतलब इतना कम कर दिया, तो उसने उसे 700 रुपए में बेचा, तो एसपी दे रखा है आपको 700 रुपए। क्वेश्चन समझ आ रहा है? यदि वो कोई छूट ना देता, अगर कोई छूट ना देता तो बताओ वो किस पर बेचता? अगर डिस्काउंट जीरो हो जाए, तो डिस्काउंट जीरो होने का मतलब है कि जो मार्क्ड प्राइस है उस पर बेच दिया, तो डिस्काउंट जीरो होने का मतलब है कि जो एमपी है वही एसपी बन जाएगा। इसका मतलब ये जो एमपी है यही एसपी का काम करेगा, तो सीपी से एसपी की बात यहां पर लाभ आएगा, और वो लाभ हो कितने परसेंट रहा है? 60%। इसका मतलब ये 60% लाभ की बात यहां पे कर रहा है। इसका मतलब उसने अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 60% अधिक किया है। तो कह रहा है वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बताइए, क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? क्वेश्चन समझ आ गया सभी को? अब सुनो एक क्वेश्चन, एक ही लाइन में क्वेश्चन समझा दिया मैंने सबका सब। क्वेश्चन बोल रहा है उसने मार्केट प्राइस पर 12.5% की छूट देकर 700 रुपए में बेच दिया, समझ गए? यदि वह कोई छूट ना देता, मतलब मार्केट प्राइस पर बेचता, और जब यहां बेचता तो सीपीएसपी के बीच में उसे लाभ हो रहा था 60% का। बोलो क्वेश्चन क्लियर है? कह रहा है सीपी बताइए। लो आंसर बताओ एक ही लाइन में। देखो सॉल्यूशन देखना एक ही लाइन में। सीपी निकालना है, इसे मान लो एक्स रुपए मान लिया। अब आप बताओ ये जो एक्स रुपए है, या फिर ए मान लो, सीपी को ए मान लो, सीपी जो है वो ए रुपए है। अगर इसे 60% बढ़ाया, 60% की रेशियो 20% होता है 1/5, और 20 का 3 गुना होता है 60, तो 3/5, तो 60% लाभ का मतलब है 3/5। तो 5 पर अगर 3 बढ़ा के बेचा है तो मतलब कितने की बेची है? 8/5 बेटा। ये मार्केट प्राइस आ गया बढ़ाने के बाद, और इस पर दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया है? 12.5%। कितना होता है? 1/8। तो 8 रुपए पर अगर 1 रुपए कम कर दिया तो फाइनली कितने की बेच दी बेटा, बताइए? 7/8। बोलो समझ में आया बात? ये क्रय मूल्य है ए, इसको 60% बढ़ा दिया, इसका मतलब 3/5 बढ़ा दिया, तो 5 पे 3 बढ़ा गया, कितना बन गया? 8/5। और जो बन गया उस पर 12.5% कम कर दिया, मतलब 1/8, तो 8 पर 1 कम कर दिया तो कितना हो गया? 7/8। और यही मूल्य सीधा सीधा कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 700। बोलो क्लियर हुआ? लो क्वेश्चन खत्म। 8 से 8 कट गया, 7 से सामने सामने 100 बार कट गया, यहाँ पे कितना बचा? 5, और 5 इधर को मल्टीप्लाई होगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा इस क्वेश्चन में 500। खत्म क्वेश्चन एक लाइन में क्रमागत। कौन सा ऑप्शन राइट है इस क्वेश्चन का? ए ऑप्शन। देखो आंसर, देखो बे आंसर, देखो आंसर, देखो बेहतरीन तरीके से क्रमागत मेरे कॉन्सेप्ट से। अगर किसी ने दिमाग में सीक्वेंस बैठा लिया, गारंटेड कह रहा हूं 2 पॉइंट बैठा लो ना, ये चैप्टर पूरा क्वेश्चन सारे आसानी से खत्म हो जाए, नाम बदलना तुम। देखो फिर दोबारा देखो, सीपी को 60% बढ़ाकर एमपी बना, इस एमपी पर 12.5% कम करके बेच दिया 700 रुपए में, तो कह रहा है क्रय मूल्य बताओ। तो क्रय मूल्य को मैंने माना ए रुपए, इस ए रुपए को 60% बढ़ाओगे तो 60% बढ़ाने का मतलब है 160%। 160% की रेशियो बनाओगे तो गारंटेड 160/100, और काटोगे तो 8/5। ए का 8/5 होके बन जाएगा एमपी, इस एमपी पर 12.5% कम कर रहा है, मतलब 1/8, मतलब 8 रुपए पर 1 रुपए कम करके बेच रहा है, मतलब 7/8, और 7/8 यही मूल्य दे रखा है 700। तो 7 से कटा 100, 8 से 8 कटा 5 गुना 100, आंसर 500। बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? बोलो क्लियर हुआ क्या? अगर क्लियर हो गया हो तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। बताइए भाई, चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी। जल्दी फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे, जल्दी फास्ट ऑल ऑफ यू, अब हो जाओ तैयार, आंसर करेंगे एक साथ। अब बेस्ट सबके सब है, सुनते रहो बेटा। ब्लैंक हो रही है फिर दोबारा। अरे ओ भैया चलने दे यार, आंसर बताइए भैया, इसको ठीक करा लो भाई, बहुत बुरा हाल हो रहा है ये। चलिए भाई आंसर बताइए इस क्वेश्चन का क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा देखिए भाई, सुनना, कुछ नहीं करना बे, कोई इंटेलिजेंट मत बनना, यहां सुनना क्वेश्चन सिर्फ।
क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार ने एक पुस्तक पर पहले तो 20% और फिर 15% की छूट दी। यहां पर दो दो छूट दे रखी है। यहां पर इस क्वेश्चन में कितनी छूट दे रखी है बेटा? दो दो छूट दे रखी है। गया फिर दोबारा सुनिए, इस क्वेश्चन में दो दो छूट दे रखी है और दो दो छूट देने के बाद कह रहा है यदि इसका अंकित मूल्य 850 था तो बताओ बेका कितने में। आप बताओ अंकित मूल्य से बेकने की बात अगर है तो भैया डायरेक्ट बताओ एमपी से डायरेक्ट बात सेट हो गई है एसपी की, तो वो तो डिस्काउंट से ही होगी ना। और आप बताओ ये डिस्काउंट कितने दे रखे हैं बेटा आपको? दो। लो भैया क्वेश्चन एक लाइन में, क्वेश्चन कह रहा है अंकित मूल्य है 850। क्वेश्चन सुनना पहले क्वेश्चन समझा रहा हूं। अंकित मूल्य है 850, उस पर दो बार कम किया, पहले बार 20% कम किया और फिर 15% कम कर दिया। क्लियर है? और ऐसा करने से एसपी क्या होगा ये पूछ रहा है। अरे क्लियर हुई बात? अगर आपको ये बात क्लियर हुई तो आंसर देखो एक लाइन में। सुनिए भाई सुनिए, अब आपको कोई एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, एक लाइन में खत्म करूंगा। आप बताओ एमपी पता है, एसपी निकालना है। बेटा आप बताओ ये सक्सेसिव हुआ ना, यानी एक वैल्यू देके वैल्यू निकाल रहा है, तो सीधा सीधा चेंज करते जाओ। एमपी कितना दे रखा है? 850। इस 850 पर कितना परसेंट कम हुआ? 20%। 20% होता है 1/5। 5 पर अगर 1 कम करोगे तो कितना रह जाएगा घटने के बाद? 4/5। अब जो भी आ गया उस पर कर रहा है 15% कम। 15% कितना होता है? 5% होता है 1/20, और 5 का 3 गुना होता है तो 15 तो ये हो गया 3/20। तो 20 रुपए पर अगर 3 रुपए कम करेगा तो ये फाइनली मूल्य बनेगा 17/20, और जो ये मूल्य बन जाएगा फाइनल वही तो मेरा आंसर है भाई। किसका? एसपी का। खत्म आंसर एक ही लाइन में, यही मेरा आंसर है, बस बात खत्म। ये लाइन लिखना समझ गए क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल समझ गए। अगर ये लाइन लिखना समझ गए तो काटो बे, जमा जम काटो। 0 से 0 काटा, 5 से काटा 17 बार, 17×5 85, और 2 से काटा ये 2 बार। आप बताओ 17 × 17 कितना होता है? 17 का स्क्वायर 289, और इनटू अभी क्या बचा है? 2। तो लो आंसर भैया एक ही लाइन में, 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16 और 1 = 17, 2×2 = 4 और 1 = 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 578। कौन सा आंसर राइट है? बी ऑप्शन। समझ गए क्या? समझ गए क्या? एक लाइन में ध्यान रखना, डिस्काउंट के चैप्टर में जो सक्सेसिव लगाना सीख गया भाई साहब, क्वेश्चन जमा जम खत्म। अरे क्लियर है? बस सीक्वेंस ही इंपॉर्टेंट है, और सीक्वेंस तो मैं समझा चुका हूं। सीपी से एमपी और एमपी से एसपी, पहले खरीदेगा फिर बढ़ाएगा और फिर बेचेगा। क्लियर हुआ? बस आइए भाई, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हो, आइए भाई चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सबके सब। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए जल्दी फास्ट फास्ट। बस आप एक सीक्वेंस सेट कर लीजिए, क्वेश्चन सारे खत्म। पहले आएगा सीपी, सीपी के बाद आएगा एमपी, मूल्य को बढ़ाएगा और मूल्य बढ़ाने के बाद बेचेगा, फाइनल आएगा एसपी। बस ये 3 वैल्यू सेट करो, क्वेश्चन सारे खत्म। एक ही लाइन में बताओ आंसर, क्वेश्चन सेट करो। बेटा जल्दी बताओ आंसर। देखिए भाई सुनना, क्वेश्चन क्या है गौर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य, एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, तो ये कह रहा है जो अंकित मूल्य है एमपी ये इस सीपी से 60% अधिक है। बोलो पहली बात तो ये बता रखी है उसने कि जो क्रय मूल्य है वो, सॉरी अंकित मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 60% अधिक है। अगली बात बोल रहा है यदि वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता, 20% लाभ, लाभ की बात होती है सीपी और एसपी के बीच में, किसके बीच में होती है लाभ की बात? खरीदने और बेचने के बीच में। तो उसे लाभ हो रहा है कितने परसेंट का बेटा? 20% का। तब ये कह रहा है कि बताओ डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया गया हुआ, तो डिस्काउंट की बात तो इन दोनों के बीच में होती है ना, एमपी और एसपी के बीच में। तो इसका मतलब अगर हम इस क्वेश्चन में एमपी और एसपी निकाल लें तो हमारा क्वेश्चन खत्म है। तो बेहतरीन बात बताओ, अगर मैं सीपी को अपने अकॉर्डिंग 100 मान लूं, क्या मान लूं बेटा? 100,
तो 100 से अगर 60% अधिक अगर एमपी है तो 60 बढ़ेगा, 100 पर अगर 60 बढ़ा दो तो ये एमपी कितना हो गया 160। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और इस 100 पर अगर ये 20% लाभ हो रहा है तो ये कितना हो गया बेटा 120। बोलो ये बात क्लियर हुई क्या? आप कहेंगे बिल्कुल सही है। अब आप खुद बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़ के बताइए, इसका मतलब वस्तु थी कितने की, अंकित कितना था उस पे 160, पर बेची गई कितने में बेटा आप बताइए 120। इसका मतलब कितने रुपए कम किया गया, 160 रुपए की चीज को अगर 120 में बेचा गया तो कितने रुपए कम किया गया 40 रुपए, और 40 रुपए कम कितने पर किया गया 160, और इसकी परसेंटेज निकालनी है तो 40 की कमी हुई कितने पर बेटा 160। तो 0 से 0 और 4 से काटेंगे तो ये आ गया माइनस का 1/4, यानी 1/4 का डिस्काउंट मिला, और 1/4 की परसेंटेज कितनी होती है 25%। तो विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन, आंसर इज बी। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज की जरूरत नहीं है, सिंपल सिंपल फंडे लगाइए बस क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू। क्लियर हुआ बेटा? वेरी गुड। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं, गौर से सुनिए। अगला क्वेश्चन आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट। आई वॉन्ट द आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ यू। ऐसा एक क्वेश्चन पहले करा चुका हूं, लगातार दो छूट दे रखी है, और अंकित मूल्य देके विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी डायरेक्ट एमपी से एसपी सेट करना है, तो इस एमपी दे रखा है, एसपी निकालना है, एक लाइन में निकाल दो, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं। जल्दी फास्ट, जल्दी फास्ट फास्ट आंसर बताइए बेटा। स्पीड बढ़ाऊंगा धीरे धीरे, अभी आत्मा गई है, अब मेरी आत्मा आएगी, मैं स्पीड बढ़ा लूंगा। लो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है कि अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस जो भी था उसका मार्क्ड प्राइस कितना था, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन में 750, और उस पर दो बार कमी की गई, दो छूट दी गई, पहले कितने परसेंट की 20% की, और फिर कितने परसेंट की 10% की, और आप बताओ छूट देने के बाद तो बेच देगा ना, तो कौन सा मूल्य बनेगा एसपी, और यही पूछा जा रहा है। बताओ ये सक्सेस भी तो है, तो आंसर एक लाइन में करो गौर से सुनो, 750 था, उस 750 को 20% कम किया मतलब 1/5, तो 5 पे कम करके कितना बचेगा 4/5, और फिर मतलब फिर मल्टीप्लाई करो, 10% कम किया मतलब 1/10, 10 पर एक कम किया तो 9/10। बोलो यहां तक बात क्लियर है क्या? तो 0 से 0 गया, 5 से 15 बार गया, 15 चौक 60, और 60 × 9 करेंगे तो 9 चौकी 54, और पीछे 1 0 लगा दो, आंसर आ गया एक लाइन में सीधा सीधा 540। ले बेटा स्पीड, ले बेटा स्पीड। बोलो क्लियर हुआ? बोलो समझ आया क्वेश्चन? समझ गए? सक्सेसिव समझ गया ना, जो कोई बात सेट है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, इस क्वेश्चन को करके बता दो, बेहतरीन क्वेश्चन है ये एसएससी जीडी का। जो कोई बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी कर देगा, मैं देखता हूं कौन करेगा इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी फास्ट। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी के सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर बिल आता है 1,00,000 रुपए का, तो उस पर अगर 40% छूट दी जाए एक बार तो अलग से 40% छूट दे दी जाए, और एक बार अगर ये ना देकर दो लगातार छूट दे दी जाए 36% और 4% की, तो वो दोनों छूटों का अंतर बताना है कितना बनेगा। बताओ आंसर जल्दी फास्ट। लो भाई आंसर सुनो, 1,00,000 रुपए है, 1,00,000 रुपए है, देखो आंसर, देखो आंसर एक लाइन में भाई साहब, देखते जाओ यहां। आप बताइए पहले वो कितने परसेंट की छूट देना चाह रहा है, पहले केस में 40% की, लेकिन बाद के केस में वो कितने परसेंट की छूट देना चाह रहा है, दो छूट देना चाह रहा है, एक तो 36% कम करना चाह रहा है, और उसके तुरंत बाद वो 4% भी कम करना चाह रहा है। अब ये कह रहा है कि यहां की जो छूट है और यहां की जो छूट है इनमें अंतर क्या हुआ, तो बताओ दोनों सक्सेसिव को पहले एक ही लाइन में लिख लो, बेहतरीन तरीका बता रहा हूं क्वेश्चन सॉल्व करने का, यहां देख लो क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो आप बताओ दो परसेंटेज को मिलाकर टोटल कितनी बनेगी पहले ये बताओ, तो टोटल निकालने का तरीका परसेंटेज में सिखाया था, अगर दो परसेंटेज का नेट निकालना हो तो परसेंटेज मेथड लगा दो, पहले एक एक करके जोड़ दो और फिर दोनों को मिला के जोड़ दो, तो एक एक करके जोड़ोगे तो -36 -40 नेट बोल रहा हूं, नेट टोटल कितना बनेगा, तो -36 -4 नेट हो गया -40, तो एक एक करके जोड़ेंगे तो -40% तो ये हो गया, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या बन रहा है बेटा बताइए, दोनों का मल्टीप्लाई बनेगा प्लस में, किसमें बनेगा बेटा प्लस में,
और मल्टीप्लाई कर दो तो चार, चार चुकी 24, चार तीन 12 और दो 14, और दो के बाद पॉइंट भी तो लगाते थे, पहले एक एक करके जोड़ेंगे और फिर दोनों को मिला के दो के बाद पॉइंट लगा के जोड़ेंगे, तो ये वैल्यू बनेगी 1.44%। बोलो ये बात समझ में आई? तो ये है आपकी टोटल, दूसरे केस में टोटल ये है। अब इसका अंतर इसके साथ निकालना, तो बेहतरीन कैलकुलेशन, 40% से 40% उड़ गई, तो इन दोनों का जो अंतर बचेगा, इन दोनों का अंतर, यही वैल्यू तो बचेगी भाई, यही वैल्यू तो बचेगी। तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा, इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा भैया, वो सीधा सीधा अंतर क्या आएगा, 1.44%। और वो परसेंटेज किस पर निकालना है, 1,00,000, किस पर निकालना है बेटा, 1,00,000। तो बताओ, पॉइंट से 20 हटा दो, परसेंटेज से 20 हटा दो, और 10 का गुणा करोगे तो आंसर आएगा 1440। तो इस क्वेश्चन का आंसर बेहतरीन तरीके से 1440 है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा बेटा, ए। समझ गए क्या? वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, समझ में आ गया? देखो फिर दोबारा बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चनों में टाइम वेस्ट नहीं करोगे भाई साहब आप। देखिए एग्जामिनर का मोटिव होता है कि कैलकुलेशन स्मार्ट वे से करनी है। पहली छूट है 40% की, ठीक है, लेकिन बाद में दो छूट दे रखी, -36 और -4, इन दोनों को मिला के जब निकालोगे तो पहले एक एक करके जोड़ोगे, एक एक करके जोड़ोगे तो -36 -4, ये तो -40 मोटी मोटी हो ही गई, और दोनों का मल्टीप्लाई करके दो के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये बनेगी 1.44%। बोलो क्लियर है? अब ये दोनों जो छूट है, इन दोनों का अंतर बताना है, तो बेहतरीन तरीका मैं क्यों जोड़ूं इसे, बेहतरीन तरीका डायरेक्ट अंतर निकालना, तो 40 से 40% कट गया, तो अंतर गारंटेड क्या बचेगा, 1.44, और जो 1.44 है डायरेक्ट, वो किसका निकालूंगा, 1,00,000 का, 1,00,000 का 1.44% कितना आएगा आंसर, 1440। बेहतरीन कैलकुलेशन, अरे क्लियर है या नहीं है? चलिए भाई, आपको अगर ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट, मुझे अगला क्वेश्चन बताएंगे सभी के सभी एक लाइन में आंसर जल्दी फास्ट। ये भी दो छूट वाला क्वेश्चन है, ये भी दो छूट वाला क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर बताओ। लेकिन पहले हम क्या करते थे, एमपी देके एसपी निकालते थे, लेकिन मजे की बात ये देखो, आज क्वेश्चन के अंदर, आज क्वेश्चन के अंदर एमपी दे रखा है और एसपी भी दे रखा है, मतलब बेचने का मूल्य, और एक परसेंटेज देकर दूसरी परसेंटेज निकालनी है। जल्दी फास्ट, कौन सा बच्चा जल्दी आंसर करेगा, कम बुद्धि लगा के आंसर करेगा, कौन? जल्दी फास्ट इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक लाइन में आंसर चाहिए भाई। लो भैया, आप ये बताइए, अंकित मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य की बात की जा रही है, तो अंकित से सीक्वेंस विक्रय पर ही तो जाता है, पहले मूल्य बढ़ाएगा, अंकित होगा, उसके बाद ही तो बेची जाएगी। तो आप इस क्वेश्चन में एमपी से सीधा सीधा किसकी तरफ चले जाओ, एसपी की तरफ। दो डिस्काउंट दे रखे हैं, एक 10% का और दूसरा निकालना है डी परसेंट वाला। लो क्वेश्चन सक्सेसिव का है ये। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, लो एक लाइन का सॉल्यूशन। सुनो भैया, एक लाइन, जो इसने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ी होगी वो इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर ले जाएगा। आप बताओ मूल्य अंकित कितने हैं, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, 600। तो स्टार्टिंग अंकित मूल्य से करेंगे 600 से, तो 600 पर पहले कितने परसेंट घटाया गया बेटा, 10%। 10% होता है 1/10, यानी 10 रुपए पर 1 रुपए कम कर रहे हैं, 10 रुपए पर अगर 1 रुपए कम करेंगे तो ये बन जाएगा 9/10। बोलो ये बात समझ में आ गई, बोलो ये बात समझ आ गई। और इसका फिर दोबारा डी परसेंट कम कर रहे हैं, लेकिन ये डिस्काउंट नहीं पता, तो एक काम करो डी को डी परसेंट ही रहने दो, कोई बात नहीं, हम निकाल देंगे, टेंशन फ्री रहो। तो 600 का 9/10 इंटू डी परसेंट, यही बराबर फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, एसपी। और एसपी कितना दे रखा है, 459, तो ये बराबर हो जाएगा 459। बताओ ये एक लाइन समझ आ गई क्या, ये एक लाइन लिखना समझ आ गई क्या? लो भाई क्वेश्चन खत्म। देखो यहां पर अब काटा पिटिया खेल खेलो, 0 से 0 गया, 9 से सामने सामने काट दो, 9 5 45, 9 1 9। तो आप बताओ जो भी ये डिस्काउंट परसेंट है इसका रेशियो कितना आएगा, तो ये आएगा 51/, बेटा ये 60 नीचे चला जाएगा, तो ये डिस्काउंट परसेंट का रेशियो आ गया 51/60। तो आप बताओ पहले अगर 60 थी मूल्य, अंकित मूल्य अगर 60 था और बेची गई 51 में, तो कितना कम किया गया, 9 रुपए। और आप बताओ 9 रुपए कम कितने पे किया गया बेटा, 60 पे। बोलो क्लियर हुआ? और परसेंटेज निकालना है तो गुणा 100 कर दो, तो बेटा 0 से 0 काटो, बेटा ये कितना हो गया आपका, 2 3 6 और 2 5 10 और 3 3 9 तो 5 3 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा आ गया 15% का डिस्काउंट। बोलो क्लियर हुआ आंसर?
एक लाइन में जो बच्चा सक्सेसिव लगाना सीख गया एक बार परसेंटेज में, भाई साहब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं डिस्काउंट तो बहुत बेहतरीन तरीके से खत्म होगा। इसलिए मैंने आपको पॉइंट सीक्वेंस का समझाया था, सीपी एमपी एसपी। हमेशा ज्यादातर चैप्टर में बात होगी इसकी, और अगर नहीं होगी तो बात सीपी एमपी की होगी, और सीपी एमपी की होगी तो उल्टा कर देंगे, वो भी क्वेश्चन आएगा, टेंशन मत लो, वो भी करवाऊंगा। एक क्वेश्चन, एक बच्चा कह रहा है 85% आ रहा है। अगर तेरा 85% आ रहा है तो बेटा ये बताओ 85% का मतलब क्या होता है, 100 से कितना कम है, 15%, इसका मतलब 15% ही तो डिस्काउंट रहा होगा। बेटा तू गलत नहीं है, 85% भी आ रहा है तेरी अदर कैलकुलेशन से, तो इसका मतलब तेरे अकाउंट भी 15% ही डिस्काउंट है। बोलो क्लियर हुआ बेटा, समझ गए भाई? चलिए ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, एक काम करिए अगला क्वेश्चन बताइए जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी फास्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट, सीक्वेंस सेट करो आप ये और बताओ इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। अगर लाभ का अगर परसेंटेज निकालना है, यदि इस क्वेश्चन में लाभ का परसेंटेज निकालना है, यदि इस क्वेश्चन में लाभ का परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज के लिए वैल्यू को मत देखना, आप क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग सेट करके बात खत्म करो, जल्दी फास्ट आंसर बताओ, क्योंकि परसेंटेज रेशियो पे डिपेंड करती है, परसेंटेज कभी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करती। आंसर बताओ, देखो आंसर आने स्टार्ट हो गई, 17, वेरी गुड। अभी करवाया था ऐसा क्वेश्चन भाई, वैल्यू सेट कर लो तुम अपने अकॉर्डिंग। आपको सीक्वेंस तो मैं याद करवाई चुका हूं ना, पहले कौन आएगा बेटा सीपी, सीपी के बाद वो क्या करेगा मूल्य बढ़ाकर अंकित करेगा एमपी, एमपी के बाद वो बेचेगा डिस्काउंट देकर एसपी। अब कुछ दे रखा होगा, क्वेश्चन खत्म करो। देखिए भाई क्वेश्चन सुनना, क्वेश्चन क्या कह रहा है गौर से सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी वस्तु का लागत मूल्य को 30% बढ़ाकर अंकित किया गया, इसको 30% बढ़ाने की बात कर रहा है। अरे क्लियर हुआ बेटा? यहां देखो रे, एक लाइन में खत्म है, जो जो मेरे सीक्वेंस को कर गया वो एक लाइन में खत्म करेगा क्वेश्चन, ये मेरा दावा है। यहां देखो सीपी से एमपी की तरफ गया तो कितना परसेंट बढ़ाकर अंकित किया उसने, 30% बढ़ाकर अंकित किया, परंतु बिक्री के समय खरीदार को 10% की छूट भी दे दी, तो छूट दी जाती है एमपी से एसपी की तरफ, मूल्य को बढ़ाकर उसके बाद घटाया जाता है, तो उसने छूट कितने परसेंट की दे दी बेटा, 10% की। अब कह रहा है कि ये बताइए उसका लाभ परसेंट क्या होगा, आप ये बताओ लाभ परसेंट होती किसके बीच में है बात, तो लाभ परसेंट की बात होती है सीपी से एसपी के बीच में, आपको ये निकालना है। भैया ये बताओ ये सक्सेसिव ही तो है, तो मैं एक तरह से इस क्वेश्चन को ये बोल देता कि एक वैल्यू को पहले 30% बढ़ाया गया और फिर उसे 10% घटाया गया, तो बताओ टोटल चेंज कितना हुआ। ये क्वेश्चन एक लाइन का है भाई साहब, सीधा सीधा कुछ मत करो रे, कोई रेशियो नहीं, कोई कुछ नहीं, सक्सेसिव का बेहतरीन तरीका लगा दो। आपको अगर 2% चेंज दे रखी है और आपको टोटल चेंज निकालना है तो एक ही बार में आंसर आ जाएगा, एक ही बार में क्या, पहले एक 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 करके जोड़ो, +30 -10 +30 -10 +30 -10, तो नेट बचा +20। अरे क्लियर हुआ? एक एक करके जोड़ा तो +20 आ गया, और अब दोनों को मल्टीप्लाई करके जोड़ो तो दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है, माइनस का 300, लेकिन दोनों के मल्टीप्लाई में कितने का पॉइंट लगाएंगे बेटा, 2 के बाद, तो ये आ गया माइनस का 3। बोलो क्लियर हुआ? और प्लस का 20 में से अगर 3 घटाओगे तो नेट आंसर आएगा 17%। जो मेरे इस सीक्वेंस को पकड़ गया भाई साहब ये सक्सेसिव लगेगा, और सक्सेसिव लगेगा तो क्वेश्चन आपका एक लाइन में खत्म होगा, दैट्स माय प्रॉमिस टू यू बेटा। क्लियर हुआ? समझ गए आप? वेरी गुड। कौन सा आंसर राइट होगा बेटा? डी ऑप्शन। कोई भी रेशियो लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इस करेक्ट सीक्वेंस को जानते हो तो आपको सक्सेसिव लगाने में आसानी रहेगी, और सक्सेसिव एक बार लगाना सीख गए तो क्वेश्चन तो भाई साहब चुटकियों के हैं। अरे नहीं यही बात समझ, और यही मैं सीक्वेंस बस आपको बताना चाह रहा हूं कि बस ये सीक्वेंस खतरनाक आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, और ये सेट होने की बात कोई नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ को देख लो कि दुकानदार क्या करता है, पहले खरीदेगा फिर मूल्य बढ़ाएगा और उसके बाद डिस्काउंट देकर बेचेगा, खत्म बात। सर समझ में आई बात? वेरी गुड, सक्सेसिव समझ आ गया, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी फास्ट, फिर
एक सेकंड में आंसर चाहिए मुझे, जल्दी फास्ट आंसर बताओ। दो छूट देकर उसके बाद की कीमत ₹30 दे रखी है, छूट देने के बाद की कीमत को SP कहा जाता है, और वो कह रहा है मूल कीमत बताओ। मूल कीमत का मतलब छूट देने से पहले जो मूल कीमत होती है वो होती है MP। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको बात MP से SP की करनी है। MP से दो डिस्काउंट देकर SP दिया गया है, यानी क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु की लागत में पहले 20% की कटौती की गई, 20% कम किया गया, और फिर उसे 25% कम किया गया, और अगर उसकी कीमत लास्ट में फाइनल P आती है तो शुरुआत की कीमत बताओ, MP निकालना है। क्वेश्चन सक्सेसिव का है, एक लाइन में उड़ जाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी बताओ आंसर। सर 17 में समझ नहीं आया। बेटा ये 17 समझ क्यों नहीं आया, एक बात बताओ, मैंने परसेंटेज इतने प्यारे ढंग से इसलिए पढ़ाता हूं मैं ताकि आपको सक्सेसिव लगाना समझ आ जाए। एक बात बताओ, एक वैल्यू को पहले आपने 30% बढ़ाया और फिर उसको 10% घटाया, तो आप बताओ CP से SP के बीच में ही तो लाभ आने की बात होती है, तो आपको टोटल निकालना है, और दो चेंजेस का टोटल निकालने का बेहतरीन तरीका होता है पहले x + y + xy / 100। तो आप बताइए +30 - 10 ओवरऑल +20 आएगा, और फिर एक्स वाई करेंगे दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 - 10 का मल्टीप्लाई -300, लेकिन दो के बाद पॉइंट लगाएंगे तो -3 आएगा, तो +20 - 3 सीधा सीधा +17 आएगा। आंसर इज ओवर। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फास्ट। देखो अब आंसर करने लगे भाई सब के सब, वेरी गुड। देखो यहां पर एक लाइन में आंसर है सक्सेसिव। मैंने कहा ना, जो डिस्काउंट को ये समझता है कि डिस्काउंट मुझे समझ नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं परसेंटेज का सक्सेसिव कर लो, डिस्काउंट सारा खत्म है। और एक सीक्वेंस समझ लो कि सीक्वेंस क्या होता है, CP MP, पहले खरीदो मूल्य बढ़ाओ बेच दो खत्म। यहां देखो MP पूछ रहा है SP दे रखा है, तो MP से स्टार्टिंग कर दो, तो MP निकालना है, MP को MP मान लो, इस MP को पहले 20% घटा रहा है, 20% होता है 1/5, तो 5 पर अगर 1 कम कर रहा है तो नेट कितना बचेगा घटने के बाद, 4/5, 5 पर 1 कम के 4/5 बचेगा, और जो बचेगा फिर उसको फिर 25% कम कर रहा है, 1/4, 25% होता है 1/4, तो 4 पर अगर 1 कम कर रहा है तो नेट कितना बचेगा 3/4, और यही मूल्य कितने के बराबर दे रखा है P के। बोलो एक लाइन में समझ आ गया, काटा पीटी मचाओ, 4 से 4 कटा, तो MP निकालना है, तो MP कितना आएगा भैया ये बता दो, तो 5 ही आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आप बताओ ये बन जाएगा 5P और 3 नीचे आएगा तो / 3। आंसर इज ओवर एक लाइन में। बोलो क्लियर हुआ क्या, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपका, डी ऑप्शन। समझ गए क्या बेटा, समझ गए क्या? देख लो बेटा मैं पहले बोल दे रहा हूं, अगर आप क्वेश्चन के अंदर सक्सेसिव लगाना समझ गए, ये फिर आत्मा आई और आत्मा गई। सुनो, अगर आप डिस्काउंट वाले चैप्टर के अंदर सक्सेसिव लगाना समझ गए तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अरे क्लियर हुआ, समझ गए आप? बस आज के क्वेश्चन समझ लो, इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं होगा SSC GD में डिस्काउंट का। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का, सबके सब इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी फास्ट। या फिर इस क्वेश्चन को रहने दो, इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन का बताओ आंसर। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई जल्दी फास्ट, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सबके सब। हाँ बेटा ये आत्मा बीच बीच में आई जाती है, क्या करूं, अगर मेरे को मिल जाए ना तो फुसंड मार के, पर क्या किया जाए बताओ, इस केस में क्या करूं बताओ, मेरे बस में है ही नहीं। यहां देखो मेरे बस में होता तो मैं इसे समझा देता, प्यार से समझाता है इसको बैठा के। आओ भाई, दिख नहीं रहा, दिख तो रहा होगा बेटा, ले देख ले, तेरा ध्यान कहीं और तो नहीं है क्यों बे? यहां सामने स्टूडेंट बैठे हैं, ये तो कह रहे हैं दिख रहा है इन्हें, ऑफलाइन में
बेटा यहाँ पर सामने बैठे हैं जो तुम्हारे बैच में आते हैं बच्चे, वो वाले, उन्हें तो दिख रहा है, तो तुम्हें काय को ना दिख रहा बे। वेरी गुड, आंसर आने स्टार्ट हो गए। चलिए भाई देखो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले एक काम करता हूँ, मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ, फिर तो मैं अपनी मन मर्जी करूँगा बात। सीपी को बढ़ा के एमपी को घटा के बेच दिया एसपी। चलो भाई क्वेश्चन कह रहा है, लाइन टू लाइन पढ़ते चलो। एक व्यापारी ने अपने विक्रय मूल्य को लागत मूल्य से 10% अधिक अंकित किया, तो लागत मूल्य को 10% बढ़ाकर अंकित कर रहा है। बोलो यही कह रहा है क्या क्वेश्चन में? आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। यदि वह बेचते समय छूट देता है तो यहां पे कुछ छूट दे रहा है वो, लेकिन ये हमें देनी रखी। और अगर ये छूट देने के बाद उसे हानि हो रही है कितने परसेंट की? 1% की। तो हानि की बात होती है सीपी से एसपी की, सीपी और एसपी के बीच में लाभ आने की बात होती है, तो सीपी से जब एसपी पे जा रहा है तो उसे 1% का लॉस भी उठाना पड़ रहा है। बोलो ये वाली बात क्लियर है क्या? और शायद मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूं बहुत प्यारे ढंग से। आप ये बताओ इसमें अगर मैं सीपी को 100 मान लूं, अगर मैं सीपी को 100 मान लूं तो 100 से 10% बढ़ाकर अंकित कर रहा है, तो 100 पर 10 रुपए बढ़ जाएंगे तो कितना अंकित करेगा वो एक तरह से? 110 रुपए। बोलो क्लियर है? और 100 रुपए पर वो दावा भी कर रहा है कि मैं 1% से लुट गया। अगर 100 पर 1% लुट गया तो मतलब 1 रुपया लुट गया, मतलब कितने रुपए में बेच रहा है? 99। बोलो समझ आ गई क्या? तो आपको एक लाइन में समझ आ गया। अब आपको निकालना है डिस्काउंट का परसेंटेज कि उसने कितने प्रतिशत की छूट दी। तो छूट की बात करो, 110 की वस्तु पर अंकित किया था, उसने अंकित किया था 110 रुपए, लेकिन बेची बेचारे ने 99 में। ये बेचारा बेचारा कोई नहीं है भाई साहब, 110 रुपए की वस्तु कितने बेची है उसने? 99 में। तो आप बताओ कितने रुपए कम करे हैं उसने? तो आप कहेंगे 11 रुपए कम कर दिए। कितने रुपए कम कर दिए? 11। और ये 11 रुपए कम कितने पर किए हैं? 110। तो डिस्काउंट की परसेंटेज कैसे निकालोगे? 11 रुपए कम किए 110 पर, अगर काटोगे तो एक तरह से माइनस का 1/10, और 1/10 मेरे लल्ला कितने परसेंट होती है बात? 10%। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 10% की छूट देता है। खत्म क्वेश्चन। अगर आप सीक्वेंस समझ गए तो क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से खत्म होंगे। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू। अरे क्लियर हुआ? समझ आया? क्लियर हुआ? समझ आया? वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। अब दिल खोल के हंसो, अगर आपको ये सीक्वेंस समझ आ गया ना तो क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएंगे, अगर आपने सक्सेसिव आपको लगाना आता है और सीक्वेंस आपको पता हो। खत्म क्वेश्चन, डिस्काउंट ही उड़ गया अगर आपको ये बात समझ आ गई तो। लो भैया इससे प्यारा क्वेश्चन कुछ नहीं लोगे, दुकान में बैठकर ये काम करके मुझे आंसर बता दो जल्दी फास्ट। अगर ये तुम्हारी दुकान होती और तुम उसके दुकानदार होते तो प्लीज ये बता दो तुमने कितना डिस्काउंट दिया होता। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, आंसर बताओ जल्दी। ये सिंपल एप्लीकेशन है डिस्काउंट का, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखो भाई, देखो प्लीज बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकान में 3500 अंकित मूल्य वाला एक कोट 2800 रुपए में बेच दिया। वाह, आजकल सर्दियां भी चल रही हैं, तो 3500 के अंकित मूल्य था और बेचारे बेचारा बेचारा कोई नहीं है, दुकानदार बेचारा होता ही नहीं है, 3500 का कोट बेच कितने में दिया भाई साहब उसने? 2800 में। तो आप ये बताइए कितने रुपए कम कर दिए? 700। और 700 कम कितने पर कर दिए भाई साहब? 3500, कि हमेशा डिस्काउंट एमपी पे निकलता है। तो एक काम करो, दोनों तरफ है ना, आप बताओ 700 का डिस्काउंट दिया कितने पर दिया बेटा? 3500 पर। तो बेटा 000 उड़ाओ, 7×5=35, तो एक तरह से 1/5 का डिस्काउंट दे दिया। 1/5 की परसेंटेज क्या होती है? गुणा 100 करके आंसर आ गया माइनस का 20%। इससे आसान और इससे टफ क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। समझ गए आप? वेरी गुड, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन कोई नहीं होगा भाई साहब। लो अगला क्वेश्चन, मौज लेने के लिए आंसर बताओ। अगर इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे वेरी गुड, मैं दिल खोल के तुम्हारा स्वागत करूंगा। आंसर बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, जो बता देगा जल्दी से जल्दी, वेरी गुड, मैं उसका दिल से स्वागत करूंगा। जल्दी बताओ आंसर। अब मैं ये देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर कौन जल्दी करेगा, कॉन्सेप्ट कौन पहचान पाएगा, ये क्वेश्चन कैसे जल्दी खत्म होगा। बस मुझे ये बता दो, जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में पता कर पाया, वेरी गुड, नहीं तो दिमाग घूम जाएगा भाई साहब इस क्वेश्चन में। अगर तुमने 100 मान के किया तो कैलकुलेशन लंबी पड़ जाएगी।
लेकिन आज देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था, सिर्फ दो पॉइंट याद रख लेना, डिस्काउंट आपकी मुट्ठी में होगा, ये मेरा वादा है आपसे। और दो पॉइंट के साथ सक्सेसिव लगाना सीख जाना, और सक्सेसिव भी लगा रहा हूं हर क्वेश्चन में, देख लो। देखो पहचानना बताऊं, पहचानना बताऊं, एक सेकंड में क्वेश्चन कैसे खत्म होगा। देखो मजे की बात, लास्ट में पूछ क्या रहा है ये बात देखो, क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि कंपैरिजन किसकी करनी है, सीपी की कंपैरिजन करनी है, किससे करनी है, एमपी से। याद करो मैंने बोला था कि अगर कभी भी क्वेश्चन में सीपी एमपी की कंपैरिजन करने को मिल जाए तो खुश हो जाना, तुम्हें सीक्वेंस भी नहीं देखना, क्रमागत भी नहीं देखना। मेरा सेकंड पॉइंट याद करो, उल्टा कर देना, क्या कर देना, उल्टा, क्या उल्टा कर देना, कि सीपी तो निकलेगा डिस्काउंट से, डिस्काउंट कितने परसेंट का है क्वेश्चन में, 23%, तो 23% की छूट तो मेरी वैल्यू निकाल देगी सीपी की, और लाभ वैल्यू निकाल देगा एमपी का, और लाभ कितने परसेंट है, 10%। लो एक लाइन में आंसर खत्म। तो 23% कम, 100 से अगर 23 कम करोगे तो कितना आएगा भाई, 77, यानी 77 तो हो गया सीपी, और 100 से 10 ज्यादा तो ये क्या हो गया, 110। अरे क्लियर हुआ, बस आपसे क्वेश्चन में कह रहा है क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम है, तो कमी कहां से कहां आएगी बेटा, 110 से 77। अरे क्लियर हुआ, तो आप बताओ 110 से अगर 77 घटाओगे तो कितनी कमी आएगी टोटल, 33 की। अरे कितनी कमी आएगी, 33 की, यानी कि क्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य से 33 कम है, और 33 कमी कितने पर आ रही है बेटा, 110। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलो 33 की कम है, कितने पर कम है, 110 पर। अगर 11 से काटोगे तो यह आंसर आएगा माइनस का 3/10, लेकिन परसेंटेज निकालना, गुणा 100 कर दो, 0 0 काट के आंसर आ गया 30%। देखो है ना, मैंने बोला ना आपसे, अगर आपका पहला पॉइंट ना लगे तो समझ जाना मेरा दूसरा पॉइंट लग जाएगा, लेकिन ये दोनों पॉइंटों के अलावा कहीं मत सोचना, क्वेश्चन बेहद आसान तरीके से खत्म है, बात खत्म, दैट्स इट। मैंने बोला था ना आपसे, अगर क्वेश्चन के अंदर सीपी और एमपी की बात हो और क्वेश्चन आपको जल्दी से खत्म करना हो तो आप कुछ मत करिए, उल्टा कर दीजिए, कोई सीक्वेंस मत देखो। और उल्टा करने का मतलब क्या है, कि डिस्काउंट एमपी नहीं निकालेगा, डिस्काउंट निकालेगा सीपी, प्रॉफिट सीपी नहीं निकालेगा, प्रॉफिट निकालेगा एमपी, खत्म क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर डिस्काउंट भी दे रखा है, लाभ भी दे रखा है, लाभ से वैल्यू निकाल दो एमपी की, डिस्काउंट से वैल्यू निकाल दो सीपी की, डायरेक्ट कंपेयर कर दो, क्वेश्चन डायरेक्ट खत्म। अरे नहीं आई बात समझ, क्वेश्चन के अंदर टाइम वेस्ट नहीं करना आपको, सब समझ में आई बात, वेरी गुड। चलिए भाई अगला क्वेश्चन बता दीजिए जल्दी फास्ट, अभी मैंने समझाया था, जो बच्चा मेरे इस क्वेश्चन को फिर पकड़ गया, मैं देखता हूं तुम्हारे अंदर कितना दिमाग है, जल्दी बोलो, एक बार और बता दो सर, ले एक बार और बता दिया। जब कभी भी क्वेश्चन में क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की बात हो, सीपी एमपी की बात हो, तो हमेशा उल्टा कर देना, क्या क्या उल्टा कर देना, प्रॉफिट सीपी पे निकलता है लेकिन प्रॉफिट सीपी के वैल्यू नहीं निकालेगा, प्रॉफिट एमपी निकालेगा, डिस्काउंट एमपी पे दिया जाता है ना, डिस्काउंट एमपी नहीं निकालेगा, डिस्काउंट एसपी सीपी निकालेगा, बस। क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दे रखा है, 23%, क्वेश्चन में डिस्काउंट कितना दे रखा है बेटा, 23%, तो 23% वैल्यू किसकी निकालेगा, एमपी की या सीपी की, तो एमपी पर तो निकाला जाता है डिस्काउंट, लेकिन वो एमपी की वैल्यू नहीं, 23% वैल्यू निकालेगा सीपी की। और 10% का लाभ हो रहा है ना, तो 10% लाभ किसकी वैल्यू निकालेगा, तो लाभ सीपी पे होता है लेकिन वो सीपी की नहीं, 10% लाभ निकालेगा एमपी की वैल्यू, क्वेश्चन खत्म। 100 से 23 कम सीपी हो गया 77, 100 से 10 ज्यादा एमपी हो गया 110, दोनों में कंपैरिजन कर दिया, ये कितना कम है, 33, और 33 की कमी कितने पर है, 110, 33 की कमी 110, क्वेश्चन खत्म। समझ गई, समझ गई। चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मुझे जल्दी फास्ट, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी फास्ट, फास्ट ऑल ऑफ यू बेटा जल्दी फास्ट, मैं देखता हूं कौन कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो पकड़ गया मेरी बात एक लाइन में करने की, बात खत्म, दैट्स इट। देखो मैं आपको चमका देता हूं, थोड़ा दिमाग आपकी क्लिक क्लिक करवाता हूं, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्रय मूल्य, क्या पूछा गया है, अंकित मूल्य। मैं अब तब से यही तो चल रहा हूं, क्रय मूल्य अंकित मूल्य, क्रय मूल्य अंकित मूल्य, क्रय मूल्य अंकित मूल्य, सीपी एमपी, सीपी एमपी, सीपी एमपी। अगर कभी बात हो तो आप मेरे दूसरे पॉइंट को लगा देना डायरेक्ट, क्वेश्चन खत्म।
सीपी और एमपी का रेशियो हमेशा उल्टा कर देना, डिस्काउंट से सीपी, प्रॉफिट से एमपी, डायरेक्ट निकाल के क्वेश्चन खत्म करो। अब बता दो एक लाइन में, देखो देखो क्वेश्चन के अंदर सीपी और एमपी की बात करनी है तो डायरेक्ट कर लेते हैं सीपी रेशियो एमपी। आप बताओ क्या होगा, उल्टा, क्या उल्टा होगा आप बताओ। क्वेश्चन के अंदर वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ो, एक माल को अंकित मूल्य के 10% छूट पर बेचता है, तो 10% छूट दे रखी है, अब छूट दी जाती है एमपी पर, लेकिन एमपी नहीं निकलेगा, 10% छूट से निकलेगा सीपी, और उसे का क्रय मूल्य 900 रुपए है और उसे लाभ हो रहा है 10% का, तो 10% लाभ होता सीपी पर है लेकिन लाभ वैल्यू सीपी की नहीं निकालेगा, वो निकालेगा एमपी की, तो 10% लाभ ही हो गया। तो अब बताइए, पहले रेशियो निकाल लो, 100 से 10 कम करोगे तो सीपी आएगा 90 और 100 से 10 ज्यादा करोगे तो 110, तो बेटा 0 से 0 काट दो। बोलो क्लियर हुआ, तो इसका मतलब रेशियो आ गया 9:11, यानी कि सीपी कितना है 9 और एमपी कितना है 11, लेकिन क्वेश्चन में क्रय मूल्य कितना दे रखा है बेटा क्वेश्चन के अंदर 900, तो 9 की वैल्यू अगर 900 है तो गुणा कितना आ गया 100, और गुणा अगर 100 आ गया तो 11 में गुणा 100 कर दो, आंसर कितना आ गया बेटा 1100, खत्म क्वेश्चन। अगर मैं चाहता ना इस क्वेश्चन को यही उड़ा देता, कैसे उड़ा देता, 90 110 तो यही गया, 90 को बस 900 बनाना, यही एक जीरो लगा देता, यहाँ एक जीरो लगा देता, लो क्वेश्चन खत्म, 900 की जगह पर आंसर हो जाएगा 1100, लेकिन मैंने नहीं किया, मैंने कंपेयर कर दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ गए आप। तो शायद मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, एक एक बात समझ आ गई होगी, वेरी गुड। इस क्वेश्चन का आंसर बता दो जल्दी फास्ट। लो अगला क्वेश्चन, जो पकड़ पाया क्वेश्चन खत्म। देखो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी फास्ट, जो पकड़ पाया। देखो यहां पर मरम्मत का खर्चा, बहुत सारे लोग, जब मैं क्लास में बोल रहा होता हूं कि नहीं आजकल के पैटर्न के अंदर सीपी जो होता है, क्रय मूल्य जो होता है वो खर्चे के बराबर नहीं, वो जो हम पेमेंट करते हैं वो नहीं होता, पेमेंट भी किया अदर खर्चे भी जो हुए सबको मिला के सीपी बनता है। देखो अदर खर्चे दे रखे हैं, इसकी मरम्मत का खर्चा दे रखा है, ये मरम्मत का खर्चा दे रखा है, देख लो रे, तुम क्लास में सोचते होंगे सर गलत बोलते हैं, मरम्मत का खर्चा है 50 रुपए, खरीदा है 400 रुपए में, तो ये बताओ टोटल कितने की पड़ी, 400 की या 450 की, 450। तो इस क्वेश्चन के अंदर सीपी दे रखा है, कितना दे रखा है 450, और लास्ट में देखो क्या पूछा गया है, वस्तु का अंकित मूल्य एमपी निकालना है। अब तो भाई साहब बुद्धि कहीं अगर हो तो क्वेश्चन में खुद बता दो क्या करें, सीपी दे रखा है एमपी निकालना है, सीपी एमपी सीपी एमपी सीपी एमपी, एक लाइन में खत्म क्वेश्चन। जल्दी फास्ट देखिए भाई, तो क्वेश्चन में सीधा बोलेंगे हम सीपी रेशियो एमपी, तो आप बताइए सीपी किससे निकलेगा, डिस्काउंट से या प्रॉफिट से, तो प्रॉफिट तो होता है उस पर लेकिन वो प्रॉफिट से नहीं निकलेगा, वो निकलेगा जो उस पर नहीं होता, कौन नहीं होता सीपी पे डिफाइंड, डिस्काउंट। तो बताओ क्वेश्चन में डिस्काउंट कितने का दे रहा है बेटा 10%, तो 10% से वैल्यू निकलेगी, 10% छूट से वैल्यू निकलेगी सीपी की, और लाभ कितने परसेंट हो रहा है 20%, तो लाभ से वैल्यू निकलेगी एमपी की। बोलो क्लियर है, तो रेशियो बताओ 100 से अगर 10 कम करेंगे तो ये कितना आएगा 90, और 100 से अगर 20 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 120। बेटा बताओ 0 0 3 से काटेंगे तो 9 3 9 और 3 4 12, इसका मतलब खरीदी है अगर उसने 3 रुपए में तो उसे अंकित करनी पड़ेगी 4, किसके लिए 10% छूट देकर 20% लाभ कमाने के लिए। अरे क्लियर हुआ, 3 रुपए अगर उसका खरीदना है और उसने अंकित अगर 4 किया तभी ऐसा पॉसिबल है कि वो 10% डिस्काउंट देकर 10% प्रॉफिट कमा पाए, 10% डिस्काउंट देकर 20% प्रॉफिट कमा पाए। तो आप बताइए क्वेश्चन में किसके वैल्यू दे रखी है सीपी, सीपी हमारे अकॉर्डिंग कितना दे रखा है बेटा 450, लेकिन क्वेश्चन के हमारे अकॉर्डिंग कितना है बेटा वो 3, सीपी हमारे अकॉर्डिंग कितना है 3, लेकिन क्वेश्चन में कितना है 450, अगर 3 यूनिट की वैल्यू 450 तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 3 से काटो दैट इज 150, 15 45। और आप बताइए आपको अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य मेरे अकॉर्डिंग कितना है बेटा 4, और अगर एक्चुअल निकालना है तो गुणा किससे करेंगे बेटा 150। अरे क्लियर हुआ, तो 15 4 60, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 600। बोलो क्लियर हुआ क्या, तो आज की क्लास मेरे हिसाब से सबको समझ आ गई होगी बेटा। हेलो, आज की क्लास मेरे हिसाब से सबको समझ आ गई होगी, ठीक है। और आज की क्लास अगर आपको समझ आ गई तो ये 2 पॉइंट अच्छे से क्लियर कर लो कि सीक्वेंस क्या है, अगर सीक्वेंस याद हो गया ना तो क्रमागत लगा पाओगे, एक लाइन में आंसर खत्म। अरे क्लियर है, और अगर आपको सीपीएमपी की बात की जाए तो हमेशा बस उल्टा कर देना, डिस्काउंट से सीपी,
प्रॉफिट से एमपी, बस रेशियो लिखना, क्वेश्चन खत्म। बोलो समझ आई बात? तो ये आज मैंने एंड करता हूँ बेटा मैं, दैट इज डिस्काउंट की क्लास। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन और है वो और कर लेते हैं बेटा, एक मिनट रुकना। हाँ, ये और क्वेश्चन और कर लो, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि यार सर आपने है ना एक क्वेश्चन बहुत आता है नेट डिस्काउंट का, और वो और बता दो। तो नेट डिस्काउंट तो भाई ये सिंपल से ज्यादा सक्सेस है भाई, ये भी क्वेश्चन एक लाइन में कर दो, एक एक जोड़ दो, फिर दोनों को मिला के जोड़ दो जल्दी फास्ट। कुछ लोग ये कहेंगे सर वो क्वेश्चन रह गया जिसमें हम टोटल परसेंटेज वाला आता है, लो टोटल परसेंटेज वाला क्वेश्चन और कर दो जल्दी फास्ट, ये क्वेश्चन और बचा है, ताकि है ना आपकी झंझट ही खत्म, आप ये ना कह पाओ कि सर ये क्वेश्चन छोड़ दिया था आपने। तो देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार ने पहले दी 25% की छूट और फिर क्रमागत रूप से दी उसने 20% की छूट। अब आपसे कह रहा है कि बताओ टोटल कितनी बनेगी छूट, इन दोनों की टोटल निकालनी है। तो आप बताओ लगातार दो चेंजेस, अगर लगातार दो चेंजेस दे रखे हो उनका अगर टोटल निकालना हो तो बेहतरीन तरीका पहले एक एक करके जोड़ो, फिर दोनों को मिलाकर जोड़ो, दो के बाद पॉइंट। तो आंसर एक ही लाइन में बताओ, टोटल डिस्काउंट निकालना है तो पहले एक एक करके जोड़ो, -25 -20, तो ये जुड़ जाएंगे -45, -25 -20, एक एक करके जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा -45। अब दोनों को मिला के जोड़ो, दोनों को मिलाएंगे तो बेटा मल्टीप्लाई कितना आएगा, 25 × 50, और माइनस माइनस आएगा प्लस में, तो ये आएगा 500, 25 × 20 ये आएगा टोटल 500। लेकिन मैंने क्या बोला, एक एक करके जोड़ा -45, और दोनों को मिला के जो वैल्यू आए उसमें दो के बाद पॉइंट लगाना है, तो 500 में दो के बाद पॉइंट लगाओगे तो ये बचेगा +5, और -45 + 5 तो ओवरऑल आंसर आएगा -40%। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज माइनस का 40%, मतलब 40% की छूट। बोलो क्लियर हुआ? सेम डिजिट से एक क्वेश्चन था, वेरी गुड, समझ गए। तो आपका डिस्काउंट चैप्टर का क्वेश्चन यदि आया तो ध्यान रखना भाई साहब, मेरे तीन फंडे सीख लेना, बस मेरे बताए हुए तीन फंडे याद रखना एग्जाम के लिए। पहला सीक्वेंस, सीपी खरीदेगा, मूल्य बढ़ाएगा एमपी, एमपी के बाद डिस्काउंट देकर बेचेगा। तो सीक्वेंस याद रखना, सीपी एमपी एसपी, क्लियर है? क्वेश्चन सक्सेसिव लग जाएगा, एक लाइन में खत्म। और अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट सीपी और एमपी की बात हो, अगर डायरेक्ट सीपी एमपी की बात हो तो क्वेश्चन वहीं की वहीं खत्म। क्या सीपी एमपी की बात अगर हो तो उल्टा कर देना, सीपी निकलेगा डिस्काउंट से, एमपी निकलेगा प्रॉफिट से, क्वेश्चन खत्म। और तीसरी बात गौर से सुन लेना, जो परसेंटेज में टॉपिक में पढ़ाता हूँ, एक संख्या को बार 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 बदलना वही होता है सक्सेसिव, और वहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन खत्म। जो दे रखा है जितना चेंज है उसका रेशियो लिखो, गुणा करो बराबर कर दो, क्वेश्चन खत्म। अरे क्लियर है या नहीं है? आई थिंक ये तीन फंडे अगर किसी ने सीख लिए, क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा आपका वो कभी आपसे नहीं छूटेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो फ्रॉम माय साइड दिस चैप्टर इज ओवर, डिस्काउंट इज ओवर, कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। अरे क्लियर है? तो कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज ब्याज, और ब्याज का पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? और उसके बाद दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे फिर सीआई। और ध्यान रखना बेटा, कल से आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दिक्कत होती है एसआई में और सीआई में, लेकिन मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा एसआई सीआई ताकि आपकी दिक्कत ही खत्म। यानी मोटे मोटे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे मोटे मोटे कॉन्सेप्ट से, जैसे मैंने डिस्काउंट में तीन कॉन्सेप्ट बताए, ये तीन कॉन्सेप्ट याद कर लो, क्वेश्चन खत्म, आसानी से खत्म। बोलो क्लियर है? चैप्टर के अंदर आपका डर ही खत्म हो जाएगा कि भैया मेरा क्वेश्चन आएगा तो मेरे से हो जाएगा, क्लियर है? ऐसे ही हम एसआई सीआई को भी करेंगे ताकि हमारा डर ही खत्म हो जाए एसआई सीआई का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बेटा हम कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू लेटर, क्लास में देखते हैं अब आपको, समझ गए? चलिए भाई, सर कल आत्मा को मत बुलाना, नहीं बुलाऊंगा, टेंशन मत लो, मजे लो, टाटा बाय बाय।